प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश के केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है, जो 8 और 9 जनवरी को हो रही है। उल्लेखनीय है कि इस हड़ताल में केंद्रीय श्रमिक संगठनों तथा अन्य स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों, जिनमें केंद्र, बीमा, BSNL एवं अन्य संस्थानों की ट्रेड यूनियनें शामिल हैं, के आह्वान पर केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग का 97% कर्मचारी भी इस दो दिवसीय हड़ताल में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सभी शाखाओं में हड़ताल रहेगी। उल्लेखनीय है कि अपनी कई मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। मसलन, नई पेंशन योजना वापस ली जाए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैधानिक पेंशन योजना लागू की जाए, सातवें वेतन आयोग की न्यूनतम वेतन तथा फिटनेस फार्मूले में संशोधन किया जाए, सभी रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती की जाए, अनुकंपा नियुक्ति पर 5% की अधिकतम सीमा हटाई जाए, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए, सरकारी प्रतिष्ठानों को बंद करने के फैसले वापस लिए जाएँ, ठेकेदारीकरण और आउटसोर्सिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए, आकस्मिक तथा अनुबंधीय कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकार को पहली बार इस दो दिवसीय बड़ी हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।